अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लोटस फूड गैलरी। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत मज़ेदार से कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन शामी कबाब। चिकन शामी कबाब बनाने के लिए हमें इंग्रेडिएंट्स क्या क्या चाहिए, चल के वो नोट करते हैं, देखते हैं हमें किन किन चीज़ों से अपने कबाब तैयार करने हैं। सबसे पहले आप नोट कर लें, 1 किलो बोनलेस चिकन लेकर उसको आप मीडियम साइज़ की इस तरह से बोटियां करवा लेंगे। 1 किलो चिकन बोनलेस कट इन क्यूब्स मीडियम साइज़। ये देख सकते हैं 2 कप चने की दाल लेकर उसको मैंने तकरीबन 1 घंटा पहले से भिगो के रखा हुआ है। अच्छी तरह धो के वॉश करके इसको 1 घंटे के लिए छोड़ दें पानी के अंदर। 2 अदद अंडे और हसबे ज़रूरत कोटिंग के लिए, जब हम लास्ट में अपने कबाब फ्राई करेंगे तो उसमें कोट करेंगे। 1 बड़े साइज़ की प्याज लेकर उसको हम फाइन चॉप कर लेंगे। 5 टेबल स्पून चॉप हरा धनिया, 3 टेबल स्पून चॉप पुदीना, पुदीनों के पत्ते लेकर उसको आप फाइन चॉप कर लें और 3 टेबल स्पून ले लें। नमक हसबे ज़रूरत, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून, होल रेड चिलीज, साबुत लाल मिर्च 10 से 12 अदद, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून चाट मसाला, 1 टेबल स्पून क्यूमिन सीड रोस्टेड, ये रोस्ट किया हुआ है, फ्राई किया हुआ जीरा है 1 टेबल स्पून, 1 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर। अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं स्पाइसी तो आप इसको 1 टेबल स्पून कर सकते हैं, लेकिन मैंने रेड चिल्ली जो है इस टाइम यहाँ पर 1 टीस्पून ली है, क्योंकि इसमें गरम मसाला वगैरह और चाट मसाला सारी चीज़ें ऐड होंगी तो सब में स्पाइसी होता है तो बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाएंगे। ये गरम मसाला 1 टीस्पून, नमक हसबे ज़रूरत, ये 2 मीडियम साइज के आलू लेकर उसको बड़े बड़े इस तरह से क्यूब्स काट लेंगे। ये तमाम चीज़ें हमें चाहिए अपने चिकन शामी कबाब बनाने के लिए। नोट कर लें दोबारा से, चिकन 1 किलो बोनलेस मीडियम साइज क्यूब्स, 2 कप चने की दाल 1 घंटा पहले से भीगी हुई, 2 अदद अंडे कोटिंग के लिए, लास्ट में 1 बड़े साइज की प्याज लेके उसको फाइन चॉप करेंगे, 5 टेबल स्पून हरा धनिया चॉप, 3 टेबल स्पून पुदीना चॉप, नमक हसबे ज़रूरत, 2 मीडियम साइज़ के पोटैटो लेकर उसको छील कर बड़े क्यूब्स में काट लेंगे इस तरह, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऑल स्पाइसेस पाउडर, 1 टेबल स्पून जिंजर पेस्ट, 1 टेबल स्पून गार्लिक पेस्ट, 1 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर, 10 to 12 होल स्पाइसेस रेड चिल्ली, साबुत गोल लाल मिर्च, क्यूमिंग सीड्स, सफ़ेद जीरा भुना हुआ 1 टेबल स्पून, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, चाट मसाला 1 टेबल स्पून। अब आपने सबसे पहले जो करना है वो आपने अपनी चने की दाल लेकर कम से कम 2 कप पानी के साथ चने की दाल, धनिया पाउडर, गोल साबुत लाल मिर्च, ज़ीरा, लहसुन अदरक का पेस्ट, लाल मिर्चों का पेस्ट, नमक, ये तमाम चीज़ें शामिल करके अब आपने 10 मिनट अपनी दाल को पका के फिर हम इसमें आलू ऐड करेंगे। अब आप इसको 10 मिनट कुक कर लें। अच्छा, अब ये देख सकते हैं इसको मैंने तकरीबन 10 से 15 मिनट पकाया, तो ये दाल 1 घंटा पहले भीगी हुई थी तो जल्दी गल गई। हमने दाल को तकरीबन 75% कुक कर लेना है। मेरी दाल 75% से ज़्यादा ही कुक हो गई है, 80% कुक हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर ये जो पोटैटोस हैं ये ऐड कर दूँगी और ये अपनी चिकन ऐड कर दूँगी।
अब आपने इसको इतना पकाना है कि आपकी चिकन भी गल जाए, आलू भी, दाल कंप्लीट 100% गल जाए और इसका पानी भी खुश्क हो जाए। मैंने इसमें कोई पानी ऐड नहीं किया, जो आपके सामने उस टाइम पानी ऐड किया था मैंने वही पानी ऐड किया हुआ है। तो अब पानी कोई ऐड मत कीजिएगा, चिकन भी पानी छोड़ेगी और दाल में ऑलरेडी आप पानी देख सकते हैं। अब इन तमाम चीज़ों को इतना पका लें कि पानी खुश्क हो जाए और सारी चीज़ें बहुत अच्छे से गल जाएं, तो फिर हम इसको पीसेंगे जैसे कबाब का मसाला चोपराइज करते हैं। अच्छा, ये देख सकते हैं आप, इसका पानी खुश्क होना शुरू हो गया। चिकन, दाल, आलू तीनों चीज़ें बहुत अच्छी तरह से गल गई हैं। अब आप इसके अंदर चाहें तो नमक भी और मिर्च दोनों चीज़ें चेक कर सकते हैं, लेकिन जहन में ये रखिएगा कि अभी हमने इसमें चाट मसाला भी शामिल करना है, उसमें भी नमक होता है और गरम मसाला भी ऐड करना है, उसमें भी स्पाइस होता है। तो उस लिहाज से आप अपना टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक और मिर्च दोनों चीज़ें चेक कर लें। अब इसका थोड़े से ये बबल्स आप देख रहे आ रहे हैं, ये भी ख़त्म हो जाए, कम्प्लीटली पानी ड्राई हो जाएगा, तो हम इसको थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ये देख सकते हैं बिल्कुल कंप्लीट पानी इसका खुश्क हो गया। मैंने इसको एक बॉल में निकाल दिया। मैं अब इसको 10 से 15 मिनट ठंडा होने दूंगी। ठंडा हो जाएगा तो फिर हम इसको चॉपर में पीस कर इसमें बाकी मसाले मिलाकर इसके कबाब बना लेंगे। अच्छा, अब ये देख सकते हैं ये ठंडा हो गया है बिल्कुल कम्प्लीटली। मैंने इसको नॉर्मल छोड़ दिया था और ये ठंडा हो गया। अब हमने ये करना है कि पहले चॉपर में प्याज, हरा धनिया और पुदीना ऐड करके इसको बारीक हम चॉप कर लेंगे। ये देख सकते हैं इसको मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया। अब हम इसके अंदर अपना ये मिक्सचर ऐड कर देंगे। अच्छा, ये देख सकते हैं तमाम मिक्सचर को मैंने पीस लिया। अब आपने करना ये, इसके अंदर आपने ये जो हमारा गरम मसाला है ये ऐड कर देंगे, चाट मसाला ये ऐड करके आप इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और फिर हम इसको कबाब की शक्ल में बना लेंगे। अच्छा, आप ये देख सकते हैं इस तरह से तमाम आप करके राउंड शेप में कबाब की शक्ल देके तमाम मसाले के आप कबाब बना लें, फिर उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। हम अपने कबाब की फ्राइंग की तरफ चलते हैं। ये 2 अदद अंडे लेके मैंने इसको फेंट लिया, एक पैन लेकर उसमें शैलो फ्राई के लिए ऑयल ऐड कर लिया। तकरीबन ये 1/2 कप ऑयल है, हमें शैलो फ्राई करने हैं, डीप फ्राई नहीं करने। अब आपने करना ये है, एक एग लेयर में इसको डिप करना है, इस तरह से अच्छी तरह कोट करते जाना है। गरम ऑयल में आप इसको रखते जाएंगे इस तरह। जितनी आपके फ्राई पैन में गुंजाइश है आप उतने रख के एक एट अ टाइम आप फ्राई कर लें। अच्छा, हल्के चूल्हे पे फ्राई करिएगा, बहुत ज्यादा चूल्हा तेज ना हो। अच्छा, ये देख सकते हैं जब आपका एक साइड इस तरह से गोल्डन कलर में आ जाएगा तो इसी तरह पलट के आप दूसरे साइड को भी गोल्डन कलर में करके तमाम कबाब को इसी तरह फ्राई कर लेंगे। अच्छा, इस तरह से तमाम कबाब फ्राई करके एक टिश्यू पर रख लीजिएगा ताकि उसका सारा एक्स्ट्रा ऑयल उस पर हो जाए। जब फिर उसके बाद आप किसी भी सर्विंग ट्रे में निकाल लें, किसी भी चटनी कैचअप जिसके साथ आप मिल जाए इसको सर्व करें। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी रेसिपी को लाइक करना मत भूलिएगा। कोई कमेंट है, सवाल है तो कमेंट करें। दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।